इस वक्त हम वार्ड नंबर 5 पे हैं। वार्ड नंबर 5 में मुख्य तौर पर मनी माजरा का इलाका आता है। ये वार्ड विमेन जनरल के लिए इस बार रिजर्व है, और डिलिमिटेशन के बाद जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो पहले ये वार्ड नंबर 25 हुआ करता था, अब ये वार्ड नंबर 5 हो गया है। गुरचरण दास काला इस इलाके के निर्विवाद रूप से नेता हैं और 3 बार यहाँ से काउंसलर रह चुके हैं। इस बार उनकी धर्मपत्नी दर्शना रानी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ इस वक्त गुरचरण दास काला भी मौजूद हैं, और यहाँ से जो कंटेस्टेंट हैं कांग्रेस की उम्मीदवार हैं दर्शना रानी, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं काला जी से ही बात करना चाहूँगा। काला जी, अब ये वार्ड चेंज हो गया, तो अगर आपकी धर्मपत्नी को इस बार चुनाव में मैदान पर उतारना पड़ा, अगर ये वार्ड चेंज ना हुआ तो निश्चित तौर पर आप ही मैदान में होते। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं ही होता नहीं हूँ, तो जेडी बात करके मैंने अभी मैसेज बता रहा है। तो आपको लगता है कि जिस तरह का समर्थन यहाँ की जनता आपको हमेशा से देती रही है, आपकी धर्मपत्नी को भी उसी तरह का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल जी, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे सारी मणि मारे की जितनी भी आबादी जितने भी लोग हैं, मुझे पूरा इतना विश्वास है। मैं उनका आपको कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता, जितना मुझ पर मेरे पर जितना विश्वास करते हैं, हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं मेरे पर जी, पूरा मुझे विश्वास है। मेरी मिसिज को भी पूरा वो विश्वास देंगे और पूरा उसका आशीर्वाद देंगे, बिल्कुल कामयाब करेंगे। आप तो खैर काफ़ी अनुभवी हैं, लगातार आपको जनसेवा करने का अनुभव है, 3 बार आप काउंसलर भी रह चुके हैं, लेकिन क्या आपकी धर्मपत्नी उस हिसाब से काम कर पाएगी? बिल्कुल जी, उस हिसाब से काम कर पाएगी, और उसी हिसाब से जैसे मैं करता रहा वैसे ही यही काम करेगी। तो इनसे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दर्शना जी, ये पहला मौका है जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जी, अच्छा लग रहा है। तो इस चुनौती को आप, निश्चित तौर पर एक नई चुनौती है आपके लिए, क्योंकि आप हाउसवाइफ रही हैं, पहली बार आपको एक पब्लिक लाइफ के अंदर जाना पड़ेगा, तो इस चुनौती को से निपटने के लिए, इस चुनौती पर पार पाने के लिए आपने क्या सोचा है, क्या तैयारी की है? देखो, पहले भी इलेक्शन जीतते हैं ना, तो सारी जनता का आदि आती थी, हम ये अटेंड करते थे, तो हमें सब पता है। अच्छा, यानी कि काउंसलर की पत्नी होने के नाते आप भी एक तरह से हमेशा पब्लिक लाइफ में रही हैं। आप क्या कहेंगे इसके विषय में? मैं तो यही कहूँगा जी, जितनी भी मनी मारे की पब्लिक है, जब मेरे जितने मेरे सारे केंद्रीयवाल के मेरी यहाँ दो तरह के, एक तो राजनीतिक है, एक मेरा दूसरा हिसाबता भी है, तो मुझे पूरे अपनी पब्लिक के मनी मारे के लोग के ऊपर इतना मुझे विश्वास है ना, जितना मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, ऐसे ही मेरे पब्लिक के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल, हम ये भी बता दें कि गुरचरण दास काला ना सिर्फ एक काउंसलर या पॉलिटिशियन के तौर पर हैं, बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। लोग इनके पास जो है अपने जो निजी मसले हैं उनके बारे में भी आते हैं, और उनके बारे में इनसे सॉल्यूशंस लेते हैं, तो इसलिए भी मनी माजरा में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल लीडर भी हो, उसकी वजह से भी लोग जो है आपको पूरा विश्वास रखते हैं, मेरे पर पूरा विश्वास रखते हैं, और पूरी पब्लिक मेरे पर पूरा, मैं आपको साबित नहीं कर सकता भी, जब मैं इलेक्शन नहीं लड़ा पिछली टर्म नहीं लड़ा, तो दुनिया मेरे घर आकर धरना लाकर बैठ के भी ऐद की, तो प्रधान जी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, चाहे लेडीज या जनरल, आपको अपनी मिसेज खड़ी करनी पड़ेगी। तो पब्लिक ने मुझे साथ दिया, पब्लिक ने मुझे करा जी, तब मैंने अपनी मैडम को उतारा। चलो, आप थोड़ा सा मुद्दों की भी बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे इस बार, पिछली बार सबसे बड़ा मुद्दा तो जी देखो मैं बताता हूँ, इस टाइम जो है, एक तो जो यहाँ हमने ग्राउंड बनाया था बच्चों के खेलने के लिए, मैंने उसके लिए बहुत स्ट्रगल करी, कम से कम 1.5 करोड़ रुपया लगाकर मैंने ग्राउंड तैयार करा था, तो इन्होंने ग्राउंड का भी इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया ग्राउंड। मनी मारे में इस टाइम एक ही ग्राउंड था, 3 लाख की आबादी है मनी मारे की, सारे आसे पासे की सब बच्चे रात को यहाँ 12 बजे तक खेलते थे, इन्होंने ग्राउंड खत्म कर दिया। वो वहाँ वाटर सामने जगह पड़ी थी, वहाँ बन सकता था वाटर टैंक, तो इन्होंने जान के बनाया जी, वो ग्राउंड खत्म कर दिया, इतने पैसे लगाए कॉर्पोरेशन के पैसे लगाए, इतना इतनी मेहनत करके बनवाया, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। एक तो मेरा मुद्दा ये होगा मेन, दूसरा पानी के रेट इतने बता दिए उन्होंने, सीवरेज के रेट इतने बता दिए, एक सीट का 200 रुपये कर दिया उन्होंने जी, तो उसका हो गया। एक अब महंगाई इतनी होगी, सरों का तेल की 211 रुपये की बोतल होगी जी, सिलेंडर का कितना रेट बढ़ गया, दालों का कितना रेट बढ़ गया, सब्जियों का कितना रेट बढ़ गया जी, तो मतलब महंगाई का मुद्दा भी मेन छाएगा। बाकी मनी मारे के जो शहर की अपने इलाके की प्रॉब्लम है,
कमेटी का दफ्तर में 5 साल में कोई भी आकर यहाँ दफ्तर में कोई बंदे ने आके अटेंड नहीं करा किसी अफसर ने। लोग बड़े परेशान हैं, 5-5 साल लिए हो गए, किसी को NOC नहीं मिली, किसी को ट्रांसफर कराना है, किसी के बाप की डेथ हो, किसी ने अपने को कराना, वो भी नहीं कुछ हो रहा। उसमें कुछ दलाल बड़े हुए हैं, वो पैसे करा के काम करते हैं। आम पब्लिक बहुत परेशान है, 5-5 साल हो गए, लोगों को NOC नहीं मिल रही, ट्रांसफर के नहीं मिल रही, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी इसके साथ प्रॉब्लम ये है भाई, मनी मारे की गलियों का इतना बुरा हाल, आप जाके एक बार सर्वे करके देखो, 5 साल में उसने एक पैच वर्क भी नहीं करवाया जो मेरे हाथ की सीमेंटेड गलियां बनी थी। तीसरी पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है जी। अब मेरे दिमाग में ये है कि तो मनसा देवी रोड के ऊपर एक पार्किंग है, वहाँ वो ट्रक वाले खड़े हैं, जबकि वो हमारी पार्किंग बनी एक दो खाली कराएंगे जी, एक सामने जगह है वहाँ पार्किंग बनाएंगे जिससे बाजार में पब्लिक आती है जो गाड़ियाँ खड़ने के लिए। ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग की। उससे बाद अपना पुराना NAC दफ्तर है, वो अब पहले जिला परिषद की जगह थी, अब कॉर्पोरेशन के अंदर आ गई है, उसको हम 3 मंजिली पार्किंग बनाएंगे क्योंकि जिससे मसला पार्किंग का हल हो। एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कितना एडवांटेज मिलेगा, महिलाओं की वोटें आपको मिलेंगी? थोड़ा सा अगर विस्तार से इसके बारे में कुछ बात करें तो नहीं, सभी साथ है मेरे, सभी साथ है। तो चलो ठीक है जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोनों का। तो हम उम्मीद करते हैं कि गुरचरण दास काला और दर्शना रानी जी जो है इस वार्ड से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह से आपको हम डिफरेंट कैंडिडेट से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।